नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आईटीआई फर्स्ट ईयर की क्लास में, जिसमें सेल एंड बैटरी चल रहा था, जिसका आज पार्ट टू है, जिस पर आज बात करेंगे सेल पर। पार्ट वन आपको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप वहां पर फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की एक ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज़रूर देखिएगा। सभी जो आपके सिलेबस अनुसार टॉपिक हैं वो उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको जो इनके नाम हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। जिसमें से प्राइमरी सेल के जो नाम है वह है वोल्टाइक सेल, जिसको वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने लॉन्च किया था, यानी कि उसने ही बनाया था, और डेनियल सेल, जिसको डेनियल नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। लेकलांची सेल, इसको भी लेकलांची नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ड्राई सेल यानी कि सूक्ष्म सेल, ठीक है। और एक है मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल और अंतिम में है एल्कलाइन सेल, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्षारीय सेल, ठीक है। तो यह आपके सात प्रकार के प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सेल होते हैं। सेकेंडरी सेल, जिसको बोला जाता है द्वितीय सेल, द्वितीय सेल में लेड एसिड सेल, निकेल आयरन सेल, निकेल कैडमियम सेल और सोलर सेल, यह चार प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपन इनके बेसिक जानकारी समाप्त होने के बाद जो इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर। क्वेश्चन से शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आप जो ये क्वेश्चन है, ओनली मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, क्वेश्चन के साथ आपको जो सेल के बारे में जितनी बेसिक जानकारी है, जितनी इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं, वह मैं आपके क्लियर करते हुए आगे बढ़ता रहूँगा, ठीक है। तो आप पांच क्वेश्चंस तक देखिए, पांच तक तो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो से अपन को कितना फ़ायदा होने वाला है और आप अंतिम तक इस वीडियो को नहीं छोड़ेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पांच क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि पांच क्वेश्चंस होने के बाद अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी फ़ायदा होता रहे, और वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और या तो लाइक कीजिएगा या डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन एक काम तो आप ज़रूर करके जाना, ताकि मुझे लगेगा कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है आपके लिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, ठीक है। तो आते हैं पहले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से द्वितीयक सेल हैं, द्वितीयक सेल इनमें से कौन सा है, क्या सूक्ष्म सेल या लेड एसिड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल या क्षारीय सेल। मैंने आपको अभी जो नाम बताए थे उनमें से आपको कुछ तो याद रहा होगा। तो देखिए, सूक्ष्म सेल जो होता है वह प्राइमरी सेल होता है, लेड एसिड सेल जो सेल हैं यही क्या है, द्वितीयक सेल है, यानी कि अपना बी वाला सही हो जाएगा। नीचे दिया है सिल्वर ऑक्साइड सेल और क्षारीय सेल, ये भी क्या है, प्राथमिक सेल हैं। इनके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊं तो देखिए, शुष्क सेल जो है ना, इसको कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वह होता है 1.4 से 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। और इसकी कार्यक्षमता सामान्यतः 0.0084 एम्पियर हावर से 5.625 एम्पियर हावर तक
होता है और इसका आकार क्या होता है, 13x51 mm से 33x51 mm तक होता है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है वह टॉर्च, टेलीफोन, विद्युत घंटी, कैमरा, दीवार घड़ी, विद्युत चालित खिलौने, ट्रांजिराइड और रिसीवर व टेप रिकॉर्डर आदि में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें लेड एसिड सेल, जो आपको बताया मैंने कि यह द्वितीयक सेल है। देखिए लेड एसिड सेल की बात करें तो इसका वोल्टेज मान होता है 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है, लेड एसिड सेल का जो उपयोग है वह मोटर गाड़ियों, रेल गाड़ियों आदि में उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने वाले एवं पुनरावेशित किए जा सकने वाले डीसी स्रोत के रूप में किया जाता है। इसी के साथ ये जो सिल्वर ऑक्साइड सेल है, जो कि प्राथमिक सेल है, इसका बारे में आप ध्यान रखिएगा कि इसका वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है। और इसका जो उपयोग है लघु आकार वाले डिजिटल उपकरण एवं यंत्रों में किया जाता है, ठीक है। देखिए यह जो नीचे लास्ट में दिया है क्षारीय सेल, यह भी क्या है, एक प्राथमिक सेल है। तो देखिए इसके बारे में जानकारी है कि 1.5 वोल्ट इसका मान होता है, वोल्टेज मान, और इसकी क्षमता जो होती है ना, इसकी क्षमता होती है 2 एम्पियर हावर की तुलना में 3.5 एम्पियर होती है, ठीक है। और इसका जो उपयोग है वह रिमोट कंट्रोल, रेडियो, टेलीविज़न कैमरा, MP3 प्लेयर इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1800 के लगभग सर्वप्रथम रिक्तस्थान नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। ऑप्शंस हैं डेनियल, ओल्टा, लेक्लांसी या इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की? तो इस वैज्ञानिक का नाम है ओल्टा। ओल्टा एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने यह क्रिया की थी और इसने वोल्टाइक नामक सेल का आविष्कार किया, ठीक है। वोल्टाइक सेल का इसने आविष्कार किया। और ये जो नाम है ना, ये लेक्लांसी और डेनियल, इन्होंने भी, डेनियल ने तो डेनियल सेल का निर्माण किया और लेक्लांसी ने जो लेक्लांसी नामक सेल का निर्माण किया, ठीक है। इनकी क्या विशेषताएं थी कि इन्होंने क्या किया, देखिए वोल्टा पर बात करें तो वोल्टा ने तो क्या किया कि सबसे पहले सर्वप्रथम सेल का निर्माण इसने किया था, तो इसने तो इस क्रिया के द्वारा सर्वप्रथम सेल का निर्माण किया, ठीक है। इसके बाद आया डेनियल। डेनियल ने क्या किया कि वोल्टाइक तथा डेनियल सेल, इसने क्या है कि लेक्लांसी अम्ल रहित प्रकार के सेल का निर्माण किया। इसने क्या किया डेनियल ने कि सॉरी लेक्लांसी ने, लेक्लांसी ने क्या किया कि अम्ल रहित प्रकार के सेल का निर्माण किया लेक्लांसी ने, ठीक है। और डेनियल ने क्या किया कि इसने, डेनियल का सुनिएगा कि 1836 में प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जा सकने वाला सेल का निर्माण किया। किसने? तो आपको जानकारी सभी की तीनों के बारे में पता चल गई होगी, तो आपको फिर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज करके समझिएगा, ठीक है। देखिए मैं हर जानकारी को डबल रिपीट करके नहीं बोल सकता क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो को रिवीज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, किस वैज्ञानिक ने ऐसे सेल का निर्माण किया जिसमें अम्ल की जगह अमोनियम क्लोराइड का घोल भरा जाता है? तो क्या डेनियल ने, वोल्टा ने या लेक्लांसी ने या इनमें से कोई नहीं? तो उस वैज्ञानिक का नाम है लेक्लांसी, ठीक है। लेक्लांसी नाम है उसका, जे इसके बारे में मैं आपने आपको कुछ जानकारियाँ बताई थी वो जरूर ध्यान रखिएगा।
देखिए लेगलांसी ने जो सेल का निर्माण किया उसका नाम लेगलांसी सेल था। लेगलांसी सेल का प्रयोग जो किया जाता है वह रुक रुक कर विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ पर किया जाता है, जैसे कि विद्युत घंटी, टेलीफोन, फ्लैश लाइट या खिलौने, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज मान है वह होता है 1.46 वोल्ट होता है। और इसकी जो प्रतिरोध होता है आंतरिक से बैटरी में क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है जो विद्युत का खपत करता है, अगर उसको प्रयोग में नहीं लेंगे ना तभी वो अंदर से भी बैटरी को खाती रहेगी, यानी कि 1 ओम से 5 ओम के बीच होता है आंतरिक प्रतिरोध इस सेल का, ठीक है। इसी के साथ बात करें अपन डेनियल सेल की, तो डेनियल सेल के बारे में भी मैंने कुछ जानकारी बताई। इसके साथ ये ध्यान रखिएगा कि इसमें भी वो इलेक्ट्रोड लाइट ही प्रयोग किया जाता है डेनियल सेल में भी, क्योंकि डेनियल ने डेनियल नामक सेल का प्रयोग किया जो प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी H2SO4। देखिए एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रोलाइट का रासायनिक नाम क्या है, तो H2SO4 है, ठीक है। और देखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पर प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाले, यानी कि स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है प्रयोगशालाओं में, वहाँ पर इस डेनियल सेल का प्रयोग किया जाता है जो डेनियल नामक वैज्ञानिक ने निर्माण किया था। वोल्टा, वोल्टा सेल के बारे में मैंने बताया, वोल्टा के बारे में बताया कि वोल्टा ने वोल्टेइक सेल का प्रयोग किया, ठीक है, उपयोग या निर्माण किया, जो कि बहुत ही कारगर साबित हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसका भी क्या हुआ, प्रचलन समाप्त हुआ। इसके साथ देखिए इसका क्या है कि टीवी रिमोट और कार बैटरी इन्वर्टर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं, किस दोष में जस्ते की छड़ में अशुद्धि के रूप में उपस्थित कार्बन के कण गंधक अम्ल तथा जस्ते के साथ मिलकर अनेक छोटे छोटे सेल बना लेते हैं, तो क्या स्थानिक क्रिया दोष, ध्रुवाच्छादन दोष या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो वह दोष होता है स्थानीय क्रिया दोष, ठीक है। स्थानीय क्रिया दोष जो कि है इसका निवारण क्या है, तो इसका निवारण केवल एक यह है कि स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ते की छड़, देखिए बैटरी में दो छड़ें होती हैं, ठीक है, एक छड़ी एक छड़ी है, ये प्लस ये माइनस है, तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे सेलों का निर्माण करता है, तो इसका निवारण यह है कि स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ा दी जाती है, यानी कि इन छड़ों पर पारे की परत चढ़ा देते हैं, तो ये क्या है कि इसका चूर्ण नीचे गिरने नहीं लगता है और यह शॉर्ट सर्किट नहीं होती है, इसलिए इसके क्या होता है कि पारे की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। और एक और ये जो नीचे नाम दिया है ना ध्रुवाच्छादन दोष, यह क्या होता है, यह क्या होता है कि इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यह क्या करता है। देखिए ध्रुवाच्छादन दोष पे आप क्वेश्चन से पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए पांचवा ऊपर पढ़िए, देखिए किस दोष को दूर करने के लिए एनोड के चारों ओर एक सरद्र पात्र में मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण रखा जाता है, क्या स्थानीय क्रिया दोष, ध्रुवाच्छादन, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो वह होता है ध्रुवाच्छादन दोष। देखिए इसमें क्या होता है, ध्रुवाच्छादन दोष है जिसमें क्या होता है कि इसमें रासायनिक क्रियाओं में एनोड व एनोड जो दो प्रकार के होते हैं ना एनोड, प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड, सॉरी इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस जो एनोड है इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है बुलबुलों के रूप में मुक्त होती है, यह बुलबुले तांबे की छड़ पर छड़ के चारों ओर एकत्र होकर, तांबे की जो ये छड़ होती है ना इसके चारों तरफ एकत्र हो जाते हैं और यह अचानक का काम करने लग जाते हैं, अचानक का कार्य करने लग जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि समस्या का कारण बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका निवारण क्या है कि इसका निवारण बस केवल एक यह है कि ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए एनोड के चारों ओर सरद्र पात्र में मैग्नी डाइऑक्साइड चूर्ण रखा जाता है। देखिए ये दोष को दूर करने के लिए
मैंगनीज डाइऑक्साइड चूर्ण रखा जाता है दुर्वासाधन दोष में, ठीक है। ठीक है, तो आपने 5 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। आपको कुछ लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। आपको इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि छठा क्वेश्चन से, किस सेल का प्रयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जहां पर रुक रुक कर विद्युत वाहक बल का आवश्यकता पड़ती है। तो क्या लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, मर्करी सेल या लेड एसिड सेल। तो इस बारे में मैंने 3 बार बता दिया आपको, रुक रुक कर विद्युत वाहक बल की कहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। तो यह आवश्यकता पड़ती है अपना जो लेक्लांसी सेल है इसमें आवश्यकता पड़ती है। और देखिए कौन कौन सी जगह, विद्युत घंटी, टेलीफोन, फ्लैश लाइट या खिलौने में, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, शुष्क सेल में छड़ के चारों ओर किसका चूर्ण भरा जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड या यह सभी। तो देखिए कि शुष्क जो सेल होता है तो उसमें यह तीनों जो नाम दिए हैं यह सभी भरे जाते हैं, इनके चूर्ण भरे जाते हैं। और इसी के साथ एक और है, ये तीन के साथ एक और चीज़ है जो है जिंक क्लोराइड, नाम याद रखिएगा जिंक क्लोराइड, ठीक है। इनके रासायनिक नाम है सभी के बता दूं। तो देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वह है MnO2, ठीक है। कार्बन है, कार्बन को C से डिनोट किया जाता है। और ये अमोनियम क्लोराइड है जिसको NH4Cl, ठीक है L। और इसी के साथ एक और नाम है जो कि है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का जो मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ GnCl2, ठीक है। ये नाम ध्यान रखिएगा। देखिए इनको अनुपात में मिलाया जाता है, अनुपातों में। देखिए जैसे कि अनुपात है इसका 10, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अनुपात है इसका 10:2:1, ठीक है। 10 मैग्नीज डाइऑक्साइड, 10 कार्बन का, 2 अमोनियम क्लोराइड का और 1 होता है जिंक क्लोराइड का, ठीक है। इसी के साथ 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो किस किस में शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है, तो क्या टेलीफोन, दीवार घड़ी, विद्युत चालित खिलौने या यह सभी। तो यह सभी आंसर आपके सही हो जाएंगे। तो तीनों में, इसी के साथ और नाम बता देता हूँ मैं आपको फिर से कि टॉर्च, टेलीफोन, विद्युत घंटी, कैमरा, दीवार घड़ी, विद्युत चालित खिलौने, ट्रांजिस्टराइज्ड रिसीवर व टेप रिकॉर्डर आदि में उपयोग किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, कलाई घड़ी में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, क्या क्षारीय सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, मरकरी सेल या शुष्क सेल। तो कलाई घड़ी में मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मरकरी सेल का और उपयोग हियरिंग एड, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में भी किया जाता है। देखिए मरकरी सेल का वोल्टेज मान मैंने फिर पहले ही बता दिया, फिर देख लिए 1.4 इसका वोल्टेज मान होता है। और इसका जो आकार होता है ना वह होता है बहुत छोटा, वो कितना होता है कि इस प्रकार से होता है। तो इसकी ऊंचाई तो होती है 2.5 मिमी और इसका जो ये व्यास होता है ना, व्यास होता है जैसे कि आप खिलौने में जो छोटे सेल आते हैं या घड़ियों में आते हैं उसी सेल के बारे में बताया जा रहा है। हाथ की जो घड़ी होती है ना उसमें जो सेल डलता है उसी के, तो 4, ये अत्यंत छोटा होता है, 4 मिमी इसका व्यास होता है और 2.5 मिमी इसकी ऊँचाई होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं, द्वितीयक सेल में धन प्लेट, ऋण प्लेट से बनाई जाती हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि यह बराबर बनाई जाती हैं या एक अधिक बनाई जाती हैं या एक कम या कितनी भी, तो यह एक अधिक बनाई जाती हैं। देखिए इसकी संख्याओं के बारे में बात करें तो संख्याएं क्या है, संख्या इसकी 11 भी हो सकती हैं, 13 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है, ध्यान रखना। और इसके बारे में यह भी ध्यान रखना कि
यह जो होती है ना, ये शीशे की जाली से बनी होती है, ठीक है। शीशे की जाली से इनको बनाया जाता है और इसमें भी H2SO4 यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लेड एसिड सेल में धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के बीच शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाता है? क्या सेल कवर का, सेपरेटर का, इलेक्ट्रोड का या वेंट प्लग का? तो सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेपरेटर क्या होता है कि यह छिद्र युक्त लकड़ी अथवा रबड़ से बनी पतली प्लेट होती हैं। इसका प्रयोग क्या है जो आपको बता दिया कि शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए किया जाता है। सेल कवर क्या होता है कि सेल कवर कठोर रबर का बना या जाता है जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट बाहर न निकले, जो कि बॉडी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वेंट प्लग इसके पहले इलेक्ट्रोड क्या होता है कि यह सभी जानते हैं कि विद्युत वाहक बल को बाहर निकालने के लिए है ना, कि सेल की प्लेट्स होती हैं जो कि ऋणात्मक एवं धनात्मक दो रूप में होती हैं। एक तो देखिए जैसे कि सेल है, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो एक तो पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव, ठीक है। और वेंट प्लग क्या होता है कि आपने बहुत सारी बैटरियों पर ढक्कन देखे होंगे ऊपर, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना अपन, तो वह जो ढक्कन होते हैं वही वेंट प्लग होते हैं। ये कैसों से होते हैं, तो ये चूड़ीदार छिद्र युक्त छिद्र भी होता है बीच में, एक ध्यान रखना, ढक्कन लगाया जाता है जिसे वेंट प्लग कहते हैं। 11वां क्वेश्चन से अपना, लेड एसिड सेल में धनात्मक और ऋणात्मक, सॉरी यह क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, डिस्चार्जिंग होने पर इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो जाता है? क्या गाढ़ा, पतला, अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? इलेक्ट्रोलाइट जिसका नाम है रासायनिक H2SO4, ठीक है। तो देखिए यह क्या होता है कि गाढ़ा हो जाता है, डिस्चार्जिंग का नाम है ना, तो ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। पतला क्या होता है कि जब बैटरी को उपयोग में लेते हैं ना, तो वह क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना वह पतला होता जाता है, जिसका अपेक्षित घनत्व जो होता है ना वो भी क्या होता है, कम होता जाता है। तो यह ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट को अपेक्षित घनत्व में मापा जाता है, ठीक है। अगर बैटरी को चार्ज करना है, चार्ज कर रहे हैं, पूर्ण चार्ज हो जाती है, तो वह क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, सेडिमेंटेशन दोष को दूर कैसे करें? तो ए है, सेल में आंसू जड़ ही डालें, सेल के संयोजकों को गर्म कपड़े से साफ करें, 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा से आवेशित करें या प्रति सप्ताह एक बार आवेशित करें। तो क्या होगा, सेंटीमेंटेशन दोष को दूर करने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दोष होता है ना सेंडिमेंटेशन जो दोष होता है वह क्या होता है कि इसके अतिरिक्त जल के विद्युत विच्छेदन के कारण जल की अशुद्धियाँ सेल की तली में एकत्र हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अधिक अशुद्धियाँ तली में एकत्र हो जाने पर प्लेटों के शॉर्ट सर्किट होने की संभावना उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तलियों पर क्या है कि इसकी जो अशुद्धि होती है इलेक्ट्रोलाइट में वह नीचे तली पर जम जाती है और यह क्या है इलेक्ट्रोडों को शॉर्ट सर्किट करने पर विवश कर देती है। तो उसी दोष को दूर करने के लिए जो उपाय किया जाता है वह है आशुत जल यानी कि शुद्ध जल का प्रयोग करना, अच्छा शुद्ध जल का प्रयोग करना। तो क्या है कि वो उसके जो अशुद्धियाँ कम होती है तो वो कम जमती है, तो कम इलेक्ट्रोड शॉर्ट सर्किट होते हैं, ठीक है। और नीचे दिया ना, सेल के संयोजकों पर गर्म कपड़े से साफ करें, है ना, ये ऑप्शंस भी। तो इसमें क्या है कि यह उसमें प्रयोग किया जाता है जहाँ पर कोरोजन दोष जो होता है ना वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। कोरोजन दोष क्या होता है,
कि वायुमंडल की नमी तथा अम्ल के छिटकने के कारण सेल के संयोजकों पर तांबे तथा लेड के ऑक्साइड की एक सफ़ेद नीली परत उत्पन्न हो जाती है जो सेल के संयोजकों का चालक तथा तार से पूर्ण संबंध स्थापित करने में बाधक बन जाती है। यानी कि जो बैटरी के संयोजक होते हैं जहाँ पर अपन तार लगाते हैं वहाँ पर क्या है कि नीली या सफ़ेद रंग की परत चढ़ जाती है जो क्या है कि अचालक का काम करती हैं जो कि एक दोष है। ठीक है, इसके निवारण के लिए क्या करते हैं कि गर्म कपड़े से उसको साफ किया जाता है या ग्रीस लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये जो दूसरा है 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा से आवेशित करे तो यह होता है बगलिंग दोष के लिए। बगलिंग दोष क्या होता है कि लेड एसिड सेल को अधिक विद्युत धारा दर पर आवेशित अथवा विसर्जित करने पर उसके प्लेटों पर एटे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये बैटरी है ना, इसमें ये इलेक्ट्रोड है या प्लेटें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अधिक धारा यानी कि अपने बैटरी को उपयोग में ले जा रहे हैं वो पूर्ण समाप्त यानी कि डिस हो गई है फिर भी उसको उपयोग में ले रहे हैं तो क्या होता है कि इसमें बगलिंग दोष हो जाता है। और इसी के साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको चार्ज कर दें, जैसे कि 2 घंटे इसको चार्ज करने का टाइम था, आपने ने इसको 3 घंटे 4 घंटे लगा रखा है, ज़्यादा समय लगा रखा है, तो क्या होता है कि तब भी यह बगलिंग दोष होता है। इसी को कम करने के लिए क्या है कि स्थिर मान की अच्छी प्रकार से जितनी आवश्यकता हो उतनी ही इसमें धारा दें, जैसे कि 6 एम्पियर से अधिक और 25 एम्पियर से कम विद्युत धारा इसमें देनी चाहिए एम्पियर। ठीक है, और प्रति सप्ताह एक बार आवेशित करें। यह जो होता है ना, यह होता है सल्फेशन दोष में। इसमें क्या है कि जब बैटरी को अपन क्या है कि बहुत लंबे समय तक उपयोग में नहीं लेते तो वह क्या हो जाती है, पूर्ण डिस्चार्ज हो जाती है और लास्ट में उसकी यह प्रॉब्लम आ जाती है कि वह चार्ज भी नहीं होती। बहुत समय के लिए बैटरी को रखा गया है तो वह क्या करती है कि उसकी जो कार्य सीमा है वो समाप्त हो जाती है और वह किसी काम की नहीं रहती, तो उसको काम में लेने के लिए यानी कि उसका पुनर्उपयोग करने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें ट्रिकल चार्जिंग का उपयोग किया जाता है। ट्रिकल चार्जिंग होता है कि कम मान की धारा अधिक समय के लिए दी जाती है, वह ट्रिकल चार्जिंग होती है। इसी के साथ एक और होती है बूस्ट चार्जिंग। बूस्ट चार्जिंग होती है कि उच्च मान की धारा कम समय के लिए देकर बैटरी को चार्ज करना, लेकिन बूस्ट चार्ज का उपयोग इस बैटरी में नहीं कर सकते क्योंकि बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता है क्योंकि यह पूर्ण आवेशित हो चुकी है। ठीक है, इसी के साथ इसी टॉपिक पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल के संयोजकों पर ग्रीस नहीं है, यहाँ पर है ग्रीस, ध्यान रखना है ग्रीस है। ग्रीस का पतला लेप किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, मैंने अभी बताया था कि सेंटीमेंटेशन दोष या कोरोजन बकलिंग या सल्फेशन, तो वह होता है कोरोजन दोष, जहाँ पर संयोजकों पर परत जम जाती है नीली या सफ़ेद रंग की। अगला क्वेश्चन से आपके सामने, बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो बैटरी की क्षमता क्या एम्पियर सेकेंड, एम्पियर हावर, एम्पियर प्रति सेकेंड या वोल्ट, तो यह मापी जाती है एम्पियर हावर में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से याद कर ही लेना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से, निकिल आयरन सेल की दक्षता होती है, निकिल आयरन जो सेल होता है उसकी दक्षता 70-80% होती हैं। ठीक है, और ये 90-95% जो दिया है ना, यह होती है लेड एसिड सेल की, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो देखिए पॉकेट कैलकुलेटर किस सेल का प्रयोग किया जाता है, पॉकेट कैलकुलेटर जो होता है ना उसमें किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो क्या कि यहाँ ऑप्शंस दिए हैं मर्करी सेल या सोलर सेल, ए एंड बी या सभी, तो इसमें यह सभी आंसर सही हो जाएगा। देखिए मरकरी का भी प्रयोग किया जाता है और सोलर सेल का भी किया जा सकता है, तो इसके साथ यहाँ ए और बी तो ये भी सही है, दोनों है तो ये भी सही है, यानी कि ये सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको अगर कोई
इसमें क्वेश्चन छूट गया हो तो उसको भी आपका क्वेश्चन जरूर क्लियर करवाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जहाँ तक उम्मीद है कि आपको सेल के बारे में सभी जानकारियाँ पता चल गई होगी लगभग लगभग, ठीक है। तो आप ने अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और एक जानकारी आपको ये बता देते हैं कि सेल के बारे में अभी दो पार्ट हुए हैं, अभी एक दो पार्ट और बनेंगे जिसमें आपको सेल का और बैटरी का जितने क्वेश्चन है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ जो इसके सवाल बनते हैं, इसके समूह जो जोड़े बनते हैं सीरीज समांतर और मिश्रित, वो भी सवाल जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, ठीक है, धन्यवाद।